नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्कासियन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, PSF ने PRT लेवल के लिए गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी निकाल दी हैं। आपको इस वीडियो में सभी सामान्य जानकारियां मिल जाएंगी कि आपको किस तरह से आवेदन करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसी तरह की सभी सामान्य जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर आपको टीचिंग से संबंधित सभी तरह की वीडियो, मतलब संपूर्ण भारत में टीचिंग पोस्ट किधर निकली हुई हैं, किस तरह से आवेदन करना है, क्या सिलेबस है, इस तरह की सभी सामान्य जानकारियां आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको CTET से संबंधित और STET से संबंधित सभी तरह की सामान्य जानकारियां मिल जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आप हमारे इस एस्कासियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं BSF प्राइमरी स्कूल जलंधर कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन इधर की साइड में दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की साइड देखेंगे दोस्तों, तो इधर आप देख सकते हैं ये BSF वालों का विज्ञापन है PRT लेवल के लिए, आपको इसे डाउनलोड करना है। ये देखिए दोस्तों, विज्ञापन डाउनलोड हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम पोस्ट के विषय में चर्चा करते हैं। PRT EVS के लिए निकली है एक पोस्ट, PRT कंप्यूटर के लिए दो पोस्ट, PRT पंजाबी लैंग्वेज के लिए एक पोस्ट और PRT आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एक पोस्ट। साथ ही साथ PRT म्यूजिक कम डांस के लिए एक पोस्ट, PRT स्पोर्ट्स के लिए एक पोस्ट और अकाउंटेंट के लिए भी एक पोस्ट निकली है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो बाकी सब में सामान्य क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10+2 होनी चाहिए आपके पास, 55% नंबर के साथ। साथ ही साथ आपने जो भी कराया, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए JBT, डाइट, BTC, ठीक है, कुछ भी कराया वो होना चाहिए, और प्लस 10+ आपके पास 2 तो होगी ही, लेकिन इसमें 55% नंबर आपके होने चाहिए 12th क्लास में। ये सारी समान क्वालिफिकेशन है, लेकिन अकाउंटेंट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपसे BCom या MCom मांगा गया है, कम से कम 3 साल का अनुभव मांगा गया है, और आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। एज की जब हम बात करते हैं, तो एज सब भी, कोई सी भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपका 18 तो होनी ही चाहिए एज इसमें, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा एज की बात करते हैं तो 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और जो एज काउंट होगी ये 30 मार्च 2019 से काउंट की जाएगी। यदि आपकी 30 मार्च 2019 तक 30 वर्ष की एज है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप कोई सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपको मासिक रूप से 15,700 रुपये पर मंथ की आपको सैलरी दे दी जाएगी। इसमें दोस्तों सैलरी का आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप पंजाब में रहते हैं तो आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट में रहते हैं तो आप सैलरी को देखते हुए थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आप कर पाओ, वहाँ रहना खाना पीना जो भी है, अगर उसका आपका एडजस्टमेंट हो जाए तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें सीधा बता रखा है नीचे की साइड की, इंटरव्यू के माध्यम से इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, और जो हमारा इंटरव्यू होगा वो हमारा होगा 7 मार्च 2019 को, और ये सुबह 10 बजे होगा। और ये जो इंटरव्यू होगा, इसका स्थान वही होगा आपका BSF प्राइमरी स्कूल, BSF कैंपस नियर BSF चौक जलंधर कैंट, ठीक है। इंटरव्यू के समय आपको क्या करना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, साथ ही साथ आपको उनकी फ़ोटो स्टेट भी लेके जानी है, और आपकी जो फ़ोटो स्टेट होंगी वो अटेस्टेड होनी चाहिए। बाकी आप कलर फ़ोटो तो आप लेके ही जाएंगे, बाकी आपका इसमें बता रखा है एक डिमांड ड्राफ्ट लगेगा 200 रुपये का SBI में, SBI के नाम से, और ये सभी सामान्य जानकारी इधर मैंने आपको दे दी है। नीचे आप इन स्कूल वालों को कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।